नहीं कि जो लिस्ट है वो आ गई है और ये जो ढोल नगाड़े सारी चीजें बज रहे हैं ये उसी के स्वागत बज रहे हैं। गिरीश दुबे जी हमारे साथ में हैं और आपको रायपुर शहर की कमान फिर से दी गई है, इसके बहुत बहुत बधाई आपको। और क्या कहना चाहेंगे आप फिर से दोबारा एक नई पारी रायपुर शहर को फिर से संभालने के और रायपुर शहर के कार्यकर्ताओं के लिए काम करने के लिए मेरा मौका? देखिए, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, आदरणीय मोहन मरकाम जी का, सारे वरिष्ठ नेताओं का कि मुझे विश्वास करके यहाँ पर पुनः काम करने का मौका दिया है और मैं कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरूँ, ये मैं कोशिश करूँगा। अब क्या लगता है आपको कि अभी पिछले कई चुनाव हुए, 4-5 चुनाव हुए, इस दौरान किस चीज़ को देख करके आपको दोबारा मौका दिया, क्या ऐसी चीज़ आपको लगती है जो प्रभावशाली रही जिसकी वजह से दोबारा मौका मिला? देखिए, मेरा काम है, मैं अपना पार्टी लाइन में जो काम है, जो पार्टी के निर्देश आते हैं उनको करूं, नीचे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको संगठित करूं और पार्टी का काम निरंतर करता रहूं। इस चीज़ का आकलन हमारे बड़े नेता करते हैं, हाईकमान करती हैं कि हमारा परफॉर्मेंस या हमारा काम किस चीज़ पर केंद्रित है और हमारे काम का ये रिजल्ट है कि उन लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ की कमान मुझ दी है। क्या विजन होगा आने वाले अगले चुनाव तक, जो नया फिर से चुनाव होगा जिला अध्यक्ष का और बाकी चीज़ों की, उसके पहले क्या विजन है आप? देखिए, सर्वप्रथम आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जमीन तक पहुंचे, कार्यकर्ता मजबूत हो, कार्यकर्ताओं को एक संगठित करके जो बूथ लेवल का काम है उस लेवल का काम किया जाए, सरकार की नीतियों का जमीन तक फायदा पहुंचे, ये हमारी कोशिश होगी, जिससे कि सरकार के जो काम हैं, सरकार की जो घोषणाएं हैं जिसमें अमल किया जा रहा है वो जनता तक पहुंचे और उनको ये जानकारी हो कि सरकार क्या क्या काम कर रही है। तो फिर से जिले का प्रभार, जिले की जिम्मेदारी दी गई और इसके लिए क्या कुछ करना है, पूरा विजन तैयार है, सरकार के सारे सारे जितने भी उनकी नीतियाँ होगी, जितने भी उनके काम होंगे, हर किसी तक पहुँचाना और फिर से एक नए तरीके का काम दिखाना और काम को बराबर जनता तक पहुँचाना, ये इस उद्देश्य के साथ आने वाले सालों में काम करेंगे। रायपुर से दीपक के साथ JK News 24।